जय श्री महाकाल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल पर। मैं उड़ीसा के डिस्ट हसनपुर गांव से बारह ज्योतिर्लिंग चारधाम साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और आज मेरे को घर से निकलते हुए 69 दिन हो गया। और भाई मैं फाइनली आके मैं यहाँ पे माधवगंज का रात को रुका था। भाई ये भैया जो मिले ना मेरे को, तो इन्होंने बोले कि चलो हमारा घर चलो, तो हमारे घर पर रुक जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई, मेरे को भी ऐसा कोई मंदिर, मतलब आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं था। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे रुका था, रुकने के लिए मेरे को एक मंदिर मिल सकता था, लेकिन भाई उसके लिए मेरे को बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं शाम हो गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते, और वहाँ जाने के लिए रात हो गया था। तो इसलिए भैया मेरे को बोले कि हमारा घर पर रुक जाओ, और यहाँ मैं रुक गया। भैया ने मेरा खाने के लिए व्यवस्था और रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ कर दिया। तो चलो भाई, अभी सुबह से मैं अभी निकाल रहा हूँ और 6 बजने के लिए 10 मिनट ही बचा है, तो मेरे को तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको तो भाई पता होगा इतना, मतलब भयंकर धूप हो रहा है ना, उसी धूप में साइकिल चलाना भाई इतना आसान नहीं है। आप तो घर पे रुक करके, मतलब इतना गर्मी लग रहा है, आप पंखे के नीचे बैठो और कूलर ए सी के नीचे बैठो, तो उसी धूप में मैं साइकिल चला रहा हूँ भाई। सुधर भाई कितना मेहनत हो रहा है। और चलो भाई ज़्यादा देर करेंगे, अभी यहाँ से निकलेंगे और मेरे साथ मेरा साइकिल भी रेडी है, तो देर किस बात का भाई। तो चलो भाई अभी यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत धूप हो रहा है मेरे भाई, और इतना धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और भाई देख लो भाई, इतना भयंकर धूप हो रहा है कि भाई, और भाई ऐसे खाली रास्ते में चलना बहुत मुश्किल है। बस बहुत देर के बाद ही मेरे को पेड़ मिला, जिसके पेड़ के नीचे थोड़ा सा छाया मिला है। और भाई अभी मेरे को जाके मिला थोड़ा ये पेड़ की छाया में, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और भाई आपको तो पता होगा भाई, इतना तेज से अभी धूप हो रहा है भाई, और इतना धूप में चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या करेंगे भाई। एक तो सुबह से पूरा, मतलब सुबह से ही धूप आ जाता है, तो सुबह से रुक जाऊँ क्या, आगे तो जाना पड़ेगा मेरे को भाई। तो भाई ये आगे जाने के लिए ना थोड़ा हौसला और थोड़ा ताकत चाहिए। बस कमेंट में हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारा एक ये कमेंट है ना हमको बहुत हौसला और बहुत ताकत देता है भाई। तो इतना मेहनत करके तो मैं आगे जा रहा हूँ ना भाई, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। बस कमेंट में हर महादेव लिख के थोड़ा हौसला और ताकत तो बढ़ा सकते हो ना। पहली बार आज मैं भाई ऐसी रास्ते में फंस गया कि भाई क्या बताऊँ यार, मतलब ऐसा रास्ता मैं कभी भी नहीं भटका था भाई। पता नहीं क्या हो गया, लोकेशन भी मेरे को गलत दिखा दिया और मैं आ गया भाई ऐसी रास्ते में। सिर्फ यहाँ पे मेरे को मिल गया भाई एक्सप्रेस रोड, और जिस रोड पे भाई उतरने के लिए ना ही कोई जगह मिलता है, ना ही कुछ खाने के लिए, ना भाई कुछ पीने के लिए भाई, मतलब ऐसी खतरनाक चीज़ में आ गया ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरा भाई। इतनी धूप में 7 किलोमीटर आगे आ गया, फिर वापस जा रहा हूँ पीछे 7 किलोमीटर। तो भाई सोच लो आज मेरा फालतू में 14 किलोमीटर मेरा मेहनत हो गया, और फिर पीछे मैं जा रहा हूँ 7 किलोमीटर पीछे, फिर वहाँ से मुड़ के दूसरा एनएच लेके जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई अभी जा रहे हैं, तो रिटर्न तो वापस गलत रास्ता पे आ गया। तो चलो भाई पता नहीं अभी कितना देर लगेगा मेरे को। अभी मैं आके पहुँच गया एक दिल गांव पे, भाई गांव का नाम है एक दिल, दो दिल नहीं है, एक दिल गांव पे मैं आके पहुँच गया भाई। अभी यहाँ पे माँ मंदिर में रुका हूँ, तो भाई मेरा मंदिर मंदिर के ऊपर में वहाँ पे रूम है, तो मेरे को रूम दिए। ये रहा वो रूम का दरवाज़ा, उस साइड में जो कांच खुला है ना, बस वही रूम पे मैं अकेला हूँ भाई। बाकी बेड वगैरह कुछ नहीं है, बाकी ऐसे नीचे है मार्बल, मतलब मार्बल डाला हुआ है, पर भाई बहुत मतलब डस्ट था, उसको साफ करके अभी आ रहा हूँ भाई छत के ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ। नहा के फ्रेश होकर अभी आ रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई दिन बहुत मतलब धूप में चल रहा हूँ ना, उसके पसीने की वजह से अभी दोबारा मेरे को नहाना पड़ता है, क्योंकि सुबह से एक बार नहाता हूँ फिर रात को भी एक बार नहाता हूँ। तो चलो भाई फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे पहुँच गया, अभी आज मैं पहली बार पूरा दिन बहुत कुछ नहीं खाया भाई। भाई भाई बहुत मतलब इतना भयंकर भूख लग रहा है भाई, मैंने खाया मतलब ऐसा कुछ नहीं खाया था, मतलब बस बिस्किट खाया था बस, और तो ऊपर को चार केला खाया था बस। करेंगे दिन बहुत 80 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग की है भाई। चलो अभी जाना पड़ेगा मेरे को ढाबा को, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता नहीं है भाई, हर मंदिर में बनता है लेकिन यहाँ बनता नहीं है। पता नहीं मेरे को पहले से पता होता तो मैं दूसरा मंदिर पे चला जाता, क्योंकि यहाँ तो बहुत मंदिर है, तो किसी भी मंदिर पे मेरे को खाना मिल जाता मैं चला जाता। लेकिन भाई रुकने के बाद फिर सुनने के बाद वो बता रहे हैं, तो भाई मतलब रुकने के बाद ही वो बता रहा है, तो अभी जाना सही नहीं होगा। तो चलो भाई रुक जाते हैं, अभी जाएंगे ढाबा पे कुछ खाना खा के आएंगे भाई, बहुत तेज से भूख लग रहा है। और कुछ
चना भी मेरे को खरीदना है क्योंकि सुबह में खाने के लिए काम पे आ गया। अभी रात को उसको मैं भिगा देगा तो सुबह सुबह उसको खाएगा तो भाई मेरे को भी फायदा होगा और पेट भी भर जाएगा भाई। तो चलो भाई अभी मैं मार्केट जाऊँगा तो अलग पहले और खाना भी खा के आऊँगा। तो चलो भाई मेरा ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मैं तुम्हारा ये भाई को सपोर्ट करना भाई आगे बढ़ाने के लिए। जय श्री।